नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मेरे साथ आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। एजाज पटेल, ये नाम इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इस नाम ने खूब धूम मचाई हुई है। ट्विटर पर भी एजाज पटेल तेजी से ट्रेंड कर रहा है। अब एजाज पटेल कौन है, क्या है और इन्होंने क्या किया है, आइए आपको बताते हैं। एजाज पटेल का एक घर अब भी मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में है। उनकी माँ ओशिफपारा एक स्कूल में पढ़ाती थी। खुद एजाज भी अक्सर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आकर मैच देखा करते थे। लेकिन किसे पता था कि ये बच्चा एक दिन जब न्यूजीलैंड की टेस्ट जर्सी पहनकर वानखेड़े में गेंदबाजी करने उतरेगा तो कहर बरपा देगा। आपको बता दें कि एजाज पटेल ने टेस्ट क्रिकेट में पहली पारी में कातिलाना गेंदबाजी करते हुए इतिहास रच दिया है। पटेल किसी टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट्स लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ऐसा करके उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। मुंबई टेस्ट के पहले दिन केवल पटेल ही थे जिनकी झोली विकेट से भर गई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम में से शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर पहले ही दिन पटेल का शिकार बन चुके थे। पुजारा और कोहली को तो अपना खाता खोलने तक का मौका नहीं मिला। इतने विकेट चटकाने के बाद दूसरे दिन पटेल एक अलग ही रंग में नजर आए। अपने इस रंग को मैदान पर बिखेरते हुए उन्होंने दिन की शुरुआत में ही रिद्धिमान साहा को पवेलियन वापस भेज दिया। इसके बाद उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को भी बैक टू पवेलियन कर दिया। टीम इंडिया का स्कोर 300 भी नहीं पहुंचा था और शतक वीर मयंक अग्रवाल भी पटेल की फिरकी में फंस गए। ये एजाज पटेल का एक ही इनिंग में 7वां विकेट था। 8वां विकेट उन्होंने अक्षर पटेल का लिया और फिर लिस्ट में जुड़े जयंत यादव और फिर मोहम्मद सिराज को आउट करते हुए पटेल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। 22 साल बाद एजाज पटेल ने एक बार फिर से इतिहास दोहरा दिया है। पटेल से पहले अनिल कुंबले और उनसे पहले जिम लेकर ने एक ही पारी में 10 विकेट लेने का करिश्मा किया था। बता दें कि जिम लेकर ने साल 1956 में मैनचेस्टर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी 10 विकेट अपने नाम किए थे। वो ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज थे। वहीं अनिल कुंबले ने फरवरी 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में ये कारनामा दिखाया था। खेल जगत की ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव यूपी न्यूज 24। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।